अगर आपको 1 लाख रुपए भी दिए जाए तो क्या आप इस डरावने घर में एक रात गुजारने का सोचेंगे? आप में से शायद ही कुछ लोगों का जवाब हाँ में होगा, लेकिन इस घर से जुड़ी कहानी सुनने के बाद शायद ही आप यहाँ रुकने की हिम्मत करें। ये घर अमेरिका के आयोवा नाम के स्टेट में विस्का टाउन में स्थित है और 10 जून 1912 को यहाँ कुछ ऐसा हुआ कि ये सुंदर सा दिखने वाला घर एक डरावने घर में तब्दील हो गया। इस घर के मालिक का नाम है जो मुरे, जिसने यह घर 1903 में खरीदा था और वो यहाँ पे अपनी पत्नी सारा और अपने 4 बच्चों के साथ रहते हैं। 10 जून 1912 की रात को इनके यहाँ इनके 2 भतीजे यहाँ इनके साथ गर्मी की छुट्टी बिताने आए थे और इन्होंने खाना पीना खा के सब लोग आराम से अपने अपने कमरे में सोने चले गए। उसी रात लगभग 12 बजे एक आदमी हाथ में कुल्हाड़ी लेके घर के पीछे दरवाजे से अंदर आ जाए। ज्यादातर लोग इस शहर में अपने घर के दरवाजे को खुला ही छोड़ देते थे क्योंकि किसी को चोरी का यहाँ कोई डर ही नहीं था, क्योंकि इस शहर की जनसंख्या सिर्फ 2000 ही थी और ज्यादातर लोग अच्छे खासे अमीर थे। तो इसी का फायदा उठाते हुए एक आदमी हाथ में कुल्हाड़ी लेके घर के अंदर घुस जाए। सीधे जाता है मुरे और सारा के कमरे में और वो वहाँ पे अपने कुल्हाड़ी को अपने सर के भी ऊपर उठाकर पूरी अपनी ताकत लगा के मुरे के सर पे मारता है। फार में ही मुरे खत्म हो जाता है। इससे पहले कि सारा उठ के कुछ बोल पाती, उसने सारा का भी खून कर दिया अपनी उस कुल्हाड़ी से। फिर वो दूसरे कमरे में जाता है जहाँ पे 4 बच्चे सो रहे थे। उन 4 बच्चों को भी वो कुल्हाड़ी से ख़त्म कर देता है और नीचे जाते जाते उसे पता चलता है कि 2 लोग और घर में सो रहे हैं। उनके कमरे में भी जाता है और वहाँ पे उन दोनों को भी ख़त्म कर देता है। हालांकि उसमें से एक लड़की भागने की कोशिश ज़रूर करती है लेकिन वो बच के नहीं जा पाती है। फिर ये हथियारा दोबारा ऊपर मुरे के कमरे में जाता है और लगभग 30 बार मुरे के चेहरे पे वार करता है। उसके चेहरे के एकदम टुकड़े कर देता है और फिर ऐसा वो सबके साथ ही कर देता है। एक अजीब सी चीज ये है यहाँ पे, फिर सबकी हत्या करने के बाद उसने पूरे घर में जितने भी शीशे थे सबको कपड़े से ढक दिया। वहां से लगभग रात के 2 या 3 बजे बिना कोई सबूत छोड़े वहां से चला गया। ये हथियारा इतना शातिर था, उसने घर की चाबी भी चुरा ली और घर को बाहर से लॉक कर दिया। अगले दिन दोपहर में जब लोग मुरे को खोजने लगे तो उसके पड़ोसियों ने उस दरवाजे को तोड़ा और जैसे ही उनमें से एक आदमी अंदर गया दौड़कर वापस आया और तुरंत उसने पुलिस को फोन लगाया। वहाँ पे पुलिस मार्शल हैंक कॉर्टन अपनी टीम के साथ वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पहुँच गए और फिर क्या था, वहाँ पे लगभग 100-200 लोगों की भीड़ लग गई घर के अंदर जाने के लिए। पुलिस मार्शल हैंक कॉर्टन ने सबको मना करा कि कोई अंदर ना जाए क्योंकि अंदर जो वहाँ गया और वो वहाँ जो देखेगा उसके बाद वो अपने पूरा जीवन पछतावा ही करेगा। उसकी बात कई लोगों ने नहीं सुनी और वो लोग अंदर चले गए, जिस वजह से काफी सबूत फिंगरप्रिंट्स के निशान वहाँ से मिट गए और केस और मुश्किल। ये खबर इतनी तेज फैली कि 2 महीने पहले जब अखबार के फ्रंट पेज टाइटैनिक के डूबने की खबर से भरे रहते थे उसने उसकी जगह ले ली और हर अखबार के फ्रंट पेज पे अब सिर्फ विलिस का मर्डर केस की न्यूज आने लगी। कुछ लोगों का मानना था कि मुरे और उसके परिवार को फ्रैंक जोन्स ने मरवाया था क्योंकि मुरे का चक्कर उसकी बहू डोना जोन्स के साथ चल रहा था, इसलिए उसने बदला लेने के लिए ये सब करा। लेकिन ठोस सबूत ना होने के कारण और कोई वजह भी नहीं बनती थी कि एक 60 साल का बुड्ढा एक कुल्हाड़ी से किसी का खून कर सके, इसलिए फ्रैंक जोन्स खूनी नहीं हो सकता था। लेकिन असली खूनी कौन था, क्या था, उसने क्यों ऐसा करा, ये आज तक एक मिस्ट्री रहती है। इस घर को कोई खरीदने की हिम्मत ही नहीं करता था, ये घर तो बेजान पड़ा था। जब इस घटना के होने के लगभग 36 साल बाद इस घर को पहली बार किसी ने खरीदा, स्पेन के एक नए शादीशुदा जोड़े ने इस घर को खरीदा। दोनों पति पत्नी ने इस घर को रेनोवेट कराया और यहाँ रहने लगे, लेकिन 1 हफ्ते से ज्यादा लोग यहाँ नहीं रह पाए क्योंकि जब उन्हें अजीबो गरीब चीजें इस घर में होने लगी, कई कई बार उसे बच्चों के रोने की आवाज तक सुनाई दी है। उसकी पत्नी ने बताया एक बार जब वो शीशे में अपने बाल झाड़ रही थी तभी शीशे में उसे बिना सिर के एक आदमी की परछाई दिखती है। वो पीछे घूम के देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता है, लेकिन जब वो दोबारा शीशे में देखती तो शीशा पूरा काला हो चुका होता है। इसलिए उसने भी उस खूनी की तरह सारे शीशे घर में ढक दिए और अपने पति से कहा कि किसी तरह इस घर को बेचो और यहाँ से वापस चलो। फिर दोबारा इस घर को लंबे समय तक किसी ने नहीं खरीदा और इसको फिर 1994 में डार्विन लिन ने इस घर को खरीदा और उसने इस घर को उसी समय के उस हिसाब से जब यहाँ पे मुरे रहते थे उस समय के हिसाब से रिनोवेट कर दिया और इस घर को एक तरीके का हॉन्टेड पैलेस बना दिया।
जहाँ पे लोग एक रात का $400 दे के यहाँ पे रुक सकते थे। ये घर पहले से ही दुनिया का सबसे भूतिया घर माना जाता है और इसकी तरफ लोग आकर्षित होने लगे। वो बहुत सारे लोग यहाँ पे $400 देकर यहाँ पे रहने के लिए आने लगे। लेकिन ये घर इतना डरावना था कि शुरू में लोग ज़रूर आए होंगे, लेकिन फिर धीरे धीरे लोगों का आना यहाँ कम हो गया। बच्चों की चिल्लाने की आवाज़, उड़कर चीज़ों का इधर उधर हो जाना, लैंप का अचानक से गिर जाना, ये चीज़ें इस घर को काफ़ी डरावनी बना दे रही। एक बार की बात है 2014 में, जब पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जो लोग भूतों की खोज करते हैं वो अपनी टीम के साथ यहाँ पे रुकने आए, उसमें से एक आदमी ने इस घर में एक रात रुकने के बाद अपने आप को चाकू मार लिया। हालांकि उसकी जान बचा ली गई, उसको तुरंत ही अस्पताल में एडमिट करा दिया गया, उसका सही समय पर इलाज हो गया। और इलाज के बाद पूछा गया, तुमने अपने आप को चाकू क्यों मारा, तो उसने कहा, ये चाकू मैंने नहीं मारा था, मुझे किसी और ने मारा था जिसका सर आधा कटा हुआ था। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।